ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मथुरा राया रोड की एक्सप्रेस वे के कट की तस्वीरें ये आ रही हैं, जहां जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि जयंत चौधरी का आज हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में उसके परिवारजनों से मिलने जा रहे हैं और उसको लेकर सुबह से ही अलर्ट है और ये पूरा रोड जाम हो गया है। लेकिन मथुरा की पुलिस आज कहीं भी नजर नहीं आ रही है और लंबी लंबी लाइनें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से ये लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं, लोग यहां पर जिंदाबाद करते नजर आ रहे हैं और वाहन इसमें फंस गए हैं। पूरी तरीके से रोड मथुरा हाथरस रोड पूरी तरीके से ये ब्लॉक हो गया है, लेकिन पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित अग्रवाल लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं, ये मौके पर मौजूद हैं। मथुरा हाथरस रोड की ये तस्वीरें और राया कट के पास एक्सप्रेस वे की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि दिल्ली से जयंत चौधरी को आना है और वो एक्सप्रेस वे पर इसी कट से होकर गुजरेंगे। कल राहुल गांधी भी यहां से गुजरे थे, तब भी काफी हंगामा और वहां जाम की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन कल मथुरा पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन आज मथुरा पुलिस कहीं भी मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। ये कहें कि क्योंकि जयंत चौधरी को आना था तो सोच लिया होगा मथुरा पुलिस ने हल्के में लिया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में यहां जोश, क्योंकि उनके पार्टी के सर्वेश सर्वा को आना है और उसके बाद यहां से वो सीधे हाथरस के लिए निकलेंगे और हाथरस में दलित परिवार से मिलेंगे, उसकी संवेदना जानेंगे। तो वहां अब ये हाथरस कांड में सीबीआई जांच के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई और तमाम यहां कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।